चलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बात करेंगे हाइपरवर्स के बारे में। वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना कोई प्रमोटर हूँ। आपको जो करना है, शायद आपको आईडी लगाना है, इसके बारे में आप सोच रहे हो, तो ड्यू डिलीजेंस करिए, पढ़ाई करिए, जानकारी लीजिए। हाइपरवर्स मुझे क्यों अच्छा लगता है, वो जो अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा 5-10 साल के अंदर, मेटावर्स जो प्रोजेक्ट कर रहा है हाइपरवर्स, उसकी कदम पर चल रहा है। NFT, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस सिस्टम, खुद का क्रिप्टो करेंसी, खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज, खुद का इकोसिस्टम, खुद का वर्चुअल इकोसिस्टम बना रहा है। जो वर्चुअल दुनिया होता है उसमें बड़े बड़े कंपनी एंटर कर रहे हैं। ये अगले 5 साल के अंदर आप देख लीजिए, मैं मेरे तरफ से ये कन्फर्म हूँ, मैं जितना पढ़ाई किया हूँ, मेटावर्स हाइपरवर्स प्रोजेक्ट दुनिया में राज करने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा उसका कॉइन भी आ चुका है मार्केट में, तो इसीलिए अच्छा लगता है। उसका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम भी आ चुका है मार्केट में, तो इसीलिए अच्छा लगता है। ये ही डिमांड है आज की तारीख में, यही ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी, डेफी, NFT, यही चलता है मार्केट में आज की तारीख में। ये सब डेवलप कर रहा है, हम देख रहे हैं, इसीलिए अच्छा लगता है। वो मेंबरशिप का आईडी जो ले रहा है, वो अपना कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि आगे जाके कोई तकलीफ ना हो उसको, कंपनी को आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मेंबरशिप IIT की बिल्डअप कर रहा है। और कंपनी रिवार्ड तो देता है, आपको भी पता होगा। जो थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहा है, मुझे जो जानकारियां मिली हैं, वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। किसको लगता है बड़ा इशू है, उसके लिए वो बड़ा इशू हो सकता है। तो आप अपना बड़ा इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आप सोचिए। इधर उधर का कमेंट मेरे को करने से, मैं कोई इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना हाइपरवर्स कंपनी में काम करता हूँ, ना हाइपरवर्स ने मुझे कोई प्रमोशन करने के लिए पैसा दिया है, तो मैं सब क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं दे पाऊँगा। किस कंपनी के बारे में, उसका अंदर की बात हमें थोड़ी पता होता है। मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मैं बार बार हाइपरवर्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट कितना सही है कितना खराब है, आपको क्या लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे सलाह पर मत जाइए, मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी बोला है कि आपको इधर मेंबरशिप लगाने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी अच्छा है मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कंपनी में एक्चुअल में मुझे लगता है दम है, KYC भी कर रहा है, जो डाउट थोड़ा बहुत था वो भी KYC, हर रजिस्ट्रेशन के साथ KYC कर रहा है। ये KYC लेके, मुझे ऐसा लगता है, ये KYC लेके किसी भी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है कि आप तो गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट बना सकता है और उसको डिटेल्स भी दे सकता है कि आपका देश का इतने लोग मेरा मेंबर है, उसका डिटेल्स भी दे सकता है। मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया जितना डेवलप हो रहा है ना, हाइपरवर्स उसके साथ साथ उसके कदम कदम पर चल रहा है, मेटावर्स के कदम पर चल रहा है। मेटावर्स आपको पता होगा, कोई छोटा कंपनी नहीं है, फेसबुक का कंपनी है। फेसबुक खुद को मेटावर्स में कन्वर्ट कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग कोई छोटा आदमी नहीं है, बहुत ऊंचे कदम के आदमी है। तो दोस्तों, मैं बता दिया हूँ मुझे क्यों अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और आपको मेंबरशिप लेने के लिए मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, आज भी नहीं बोल रहा हूँ। जो करना है आपको करना है, मेंबरशिप लेना है, जितना भी अमाउंट लग रहा है उसके ऊपर आप पढ़ाई करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। थोड़ी ना मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, जितना भी खर्चा हो रहा है आप कर रहे हो। तो मेरे को, मेरे ऊपर भरोसा करके, मेरे को ये भी कमेंट आता है,
सर मुझे लेना है, मैं लूँ क्या? सर मैं कैसे बता सकता हूँ? पहला चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ आप लेना है कि नहीं लेना है? कंपनी मुझे इसीलिए अच्छा लगता है, मैं उसका रिव्यू दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आता है मेरे पास, कुछ कोई उसका सोल्यूशन रहेगा तो मैं मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ। और मैं आपको इस यहाँ पे और फिर क्लियर कर देता हूँ, हाइपरवर्स मुझे क्यों अच्छा लगता है। वो जो अगला नेक्स्ट स्टेप आएगा 5-10 साल के अंदर, मेटावर्स जो प्रोजेक्ट कर रहा है, हाइपरवर्स उसकी कदम पर चल रहा है, NFT, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस सिस्टम, खुद का क्रिप्टो करेंसी, खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज, खुद का इकोसिस्टम, खुद का वर्चुअल इकोसिस्टम बना रहा है, मेंबरशिप को खुद धीरे धीरे वो स्ट्रांग कर रहा है, रिवार्ड जो दे रहा है वो सही से दे रहा है। मैंने बहुत जन से सुना है, बहुत लोगों से मैंने भी पर्सनली बात किया है, क्या उनका विड्रॉल सही से हो रहा है? वो लोगों ने मुझे रिप्लाई में दिया, हाँ सर हो रहा है। इसीलिए सर मुझे अच्छा लगता है। इसका जरूरी नहीं है मुझे अच्छा लगता है तो आपको अच्छा लगे। और जो लोग बोलते हैं फेक है, हमें क्या करना है उसमें? जो लोग जो भी बोल सकता है, कंपनी का रिव्यू कोई कुछ भी दे सकता है, कंपनी ने भी यही बोल के रखा है, कोई नेगेटिव बोले कोई पॉजिटिव बोले, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? कंपनी अपने काम पे चल रहा है। तो मुझे सर इसीलिए अच्छा लगता है, ये ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, डेफी डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस यही एडवांस है। अभी जो अगला 5 साल 10 साल के अंदर यही चलने वाला है, वर्चुअल दुनिया इकोसिस्टम में जैसा मेटावर्स प्रोजेक्ट, हाइपरवर्स एक प्रोजेक्ट वैसा क्यों वैसा बना रहा है, डेवलप कर रहा है, क्या ये गलत है? मुझे नहीं लगता ये गलत है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।